जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ट्यूटर गुरुजी हेल्प में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सेल जेई का एग्ज़ाम हुआ था, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि उसमें किस तरह के पेपर आए थे। क्वेश्चन पेपर हुआ है, लेकिन उसका जो पेपर होता है वो लोग सबमिट कर लेते हैं, तो इसलिए आपको पेपर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैंने क्या किया है कि आपको जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हुए थे एग्ज़ाम में, वो मैंने इसमें डाला हुआ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बाकी मैं पैटर्न बता दूंगा आपको अच्छे से, तो चलिए आइए मैं आपको पहले पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, सेल जेई का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि डिप्लोमा में जो आप लोग इलेक्ट्रिकल से अगर किसी ने डिप्लोमा किया है तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका 60 टेक्निकल होते हैं और 60 नॉन टेक्निकल होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका 60 आपका टेक्निकल हो गया, 40 जो होता है नॉन टेक्निकल होता है, तो ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्निकल में आपका किस तरह क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल होते हैं वो होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चन, जैसे कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कंट्रोल सिस्टम से डाले गए थे, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम से मतलब गेन मार्जिन, फेज मार्जिन निकालना था, जिसमें सेटलिंग टाइम निकालना था, राइज टाइम निकालना था, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे। और जो टाइम ड्यूरेशन है आपका, वो देखिए आपका टोटल 120 मिनट है, ठीक है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है क्या है, नो निगेटिव मार्किंग, आपका निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं था। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जो कट ऑफ जाएगा ना, वो आपका अगर 85 प्लस किसी ने किया है, 100 मतलब 100 में जिसका 85 आ रहा है, 85 प्लस आ रहा है, तभी उसका सिलेक्शन होगा, ये जान लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों में बहुत लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन यार आप समझ सकते हो कि जहाँ पे मात्र 20-25 क्वेश्चन, मतलब सॉरी 15-20 ही सीट होते हैं, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा अमाउंट में बच्चे हैं, तो कट ऑफ ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे, तो ऑब्वियस है कि 85 या 90 प्लस भी कट ऑफ जा सकते हैं, क्योंकि सीट बहुत कम थे, 15-20 सीट थे मात्र। तो चलिए देखते हैं, पहले नॉन टेक्निकल क्वेश्चन देख लेते हैं, जो स्टार्टिंग से आपका जो क्वेश्चन आए हुए थे नॉन टेक्निकल ही आए थे। तो शुरू का जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 10 तक जो पेपर में आया था, उसमें सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन थे, इंग्लिश ग्रामर में था, एक्टिव पैसिव नरेशन ये वो सबको क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं टेक्निकल क्वेश्चन किस तरह आए थे, वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन मैं दिया हूँ, अगर आप चाहें तो मैं सोल्यूशन यहाँ बता दूँ, वैसे सोल्यूशन मैंने कर रखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ के एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि टू ट्रेन्स रन इन अपोजिट टू ईच अदर, स्पीड आर साइमल्टेनियसली वाज 72 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किमी पर आवर, बोथ ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन जस्ट 15 सेकेंड, इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द ट्रेन वाज 100 मीटर देन लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप इसका देखिए स्पीड 1 और 2 निकाल सकते हैं आपका, इसको मीटर पर सेकेंड में आप चेंज करेंगे जब आप, तो 20 आएगा और ये आएगा आपका 10 आएगा, ठीक है, 20 और 10 आएगा। उसके बाद आप मालूम होगा आपको कि जो डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम होता है, तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब बोथ 10 इधर से एक इधर से आ रहा था, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड ऑफ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, यानी 30 हो जाएगा, और जो टाइम 15 सेकेंड है तो आपका हो जाएगा 450, और 100 मीटर दिया हुआ था 350 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एग्जाम में जो आया था ना, उसमें 350 या फिर 350 जो था ही नहीं, ये ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में जो आया था आपका, ये ऑप्शन में था, ये था, ये था, पर आपका यहाँ पे नहीं था, कुछ और था यहाँ पे, तो मैंने इसलिए 350 लिया, क्योंकि एग्जैक्ट आपका 350 आएगा ही, पर उन्होंने बोर्ड की तरफ से गलती किया हुआ, तो उन्होंने दिया ही नहीं था कि क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पर सही बताते रहे आपको, अगर आप में से किसी ने भी 250 को, मतलब जैसे 250 को भी आंसर मारा होगा, तो कंसीडर किया जाएगा इसी को सही, क्योंकि हो सकता है बाई मिस्टेक के लोग गलती, मतलब प्लस माइनस करने में गलती कर दिया हो, तो आप लोग इसको मार देना अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, तो 300 भी मार सकते हैं, लेकिन देखिए आप 350 या फिर 250 कौन सा देखने में सही लग रहा है, तो क्या होता है कि जैसे इसमें घटाने माइनस करने में लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, तीसरे से मिस्टेक करते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन ये था कि टू पाइप्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 2 आवर एंड 4 आवर रिस्पेक्टिवली, ड्यू टू लीकेज इन वाटर टैंक ऑल पाइप्स टुगेदर टेक्स 4 आवर टू फिल द टैंक, देन इन हाउ मेनी आवर लीकेज पाइप कैन एलोन एम्प्टी द वाटर टैंक इफ वाटर टैंक वाज फुल ऑफ वाटर। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दो पाइप है, ठीक है, दो पाइप से हम वाटर टैंक को भर रहे हैं, एक से आपका 2 घंटा लग रहा है, दूसरे वाले से 4 घंटा लग रहा है, लेकिन अगर जो वाटर टैंक है अगर उसमें किसी तरह से लीकेज हो जाता है, उसकी वजह से तीनों पाइप को अगर एक साथ खोलते हैं, तो आपका कितना टाइम लगता है, 4 घंटा। तो अब बोला जा रहा है कि जो लीकेज पाइप है उसके द्वारा अगर हम सिर्फ खाली करने के लिए बोला जाए फुल टैंक को, तो कितना लगेगा, तो कितना लगेगा, 2 घंटा, ठीक है। देखिए मैं इसका सोल्यूशन दे दिया हूँ, आप लोग देख लेना,
अब वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ए द्वारा आपका कितना लग रहा है 2 आवर, बी द्वारा आपका 4 आवर, और ए बी सी तीनों के द्वारा 4, ठीक है। अगर आप इस तरह निकालेंगे तो इसका 2 1, इसका 1 एफिशिएंसी आएगी, और आपका इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 आएगा, ठीक है। ये 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद जो इसका बचेगा सी का कितना होना चाहिए, 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे इसका 2 आवर आएगा, ठीक है। इस तरह से देख लो, आप लोग सोल्यूशन देख लेना एक बार अच्छे से, मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। आप लोग पॉज करके वीडियो को अच्छे से क्वेश्चन को भी पढ़ लेना है बार, ठीक है। क्वेश्चन को भी आप लोग पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं कि क्या दिया हुआ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपने इस करिएगा, नहीं आया तो फिर सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, ये था, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था कि जैसे कि मान लीजिए कि आज सोमवार है, ठीक है। टुडे इज मंडे 1 PM, देन फाइंड टाइम टाइम एंड डे आफ्टर 36 आवर। तो ये जो मैंने 36 आवर दिया हुआ है ना, उसमें उन्होंने कुछ एलसीएम निकालने के लिए कुछ किया हुआ था, जैसे 9, 18, 36 कुछ इस तरह से दिया हुआ था, जिसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका 36 आता। तो वही जो 36 आना था तो उसको हम क्या किया, 1 PM ऐड करेंगे। तब जो आप इसको ऐड करेंगे तो इस तरह से आप ऐड करिएगा कि आज 1 PM है सपोज दैट, तो उसमें 24 आवर करेंगे तो अगले दिन आपका 24 आवर आएगा, फिर उसमें 12 घंटा और जोड़ दीजिएगा तो नेक्स्ट, यानी कि मंडे था तो वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा आपका, आप लोग इसको देख लेना एक बार अच्छे से। एक क्वेश्चन देखिए, ये था, ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो था उन्होंने गलत दे रखा था। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन में बहुत ईजी है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, इसको सॉल्व मैं किया हूँ, उसको बताने वाली बात नहीं है, इसको देख लीजिएगा आप। इसका आंसर जो आएगा वो 4 आएगा, ठीक है, आंसर 4 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं था, उसमें ऑप्शन में सिर्फ ये था 40 था, 400 था। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें एग्ज़ाम के पैटर्न से, तो ये होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में वैसे ही मान लिया जाए क्योंकि उन्होंने गलत दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो होगा आपका आंसर जो मैंने दिया है यहाँ पे, तो इसका 4 होगा, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन था रीजनिंग का, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि पुलिस का कांस्टेबल है, जिस तरह की पुलिस होता है कांस्टेबल से रिलेट करता है, उसी तरह क्लास किससे रिलेट करेगा, तो क्लास आपका किससे करेगा, स्टूडेंट से, ठीक है। इसमें देखिए हेड बॉय में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, आपका स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा आपका आंसर, स्टूडेंट। एक क्वेश्चन ये था आपका, देखिए सीरीज का 135 था, इसके बाद ब्लैंक था आपका 21, 31, 43 और आपका 53 था। तो उसमें पूछा था कि क्या होगा, तो देखिए इसको आप जो कितना भी कुछ भी कर लेंगे आपका सीरीज बनेगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें भी 2 बन रहा था, इसमें आपका 10 बन रहा था, इसमें आपका 12 बन रहा था, 12 बन रहा था, तो बन नहीं पाएगा। तो आपका टोटल ये क्या होगा, पॉसिबल होगा ही नहीं, कैन नॉट बी पॉसिबल सीरीज, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा था, आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीन शॉट ले लिया करिए। देखिए एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स टू हिज सन, 4 ईयर एगो फादर वाज 9 टाइम टू सन एज, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है। इसको मैं 2 मेथड से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिक मेथड से देखिए ये है कि जैसे कि अब ये आप बेसिक मेथड से तो हर कोई कर लेगा, आप लोग आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें बताने वाला नहीं हूँ, टाइम लग रहा है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। देखिए आप ले इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑप्शन अगर करने जाएंगे तो आपको 40 अगर मान लेते हैं तो बेटे का कितना होना चाहिए 8, तब क्या होगा 5 और 1 का अनुपात बन जा रहा है, यानी ये सही है आपका। अब 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 40 में से अगर 4 जाएगा तो कितना आएगा 36 आएगा, इधर से 8 में से कितना गया तो 4 आएगा, अब इन दोनों के रेशियो कितना होगा 9:1, ठीक है। यही दिया हुआ था आपका, यानी प्रूफ हो गया, यानी 40 साल, यानी कितना होगा 40 साल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए आपका एक क्वेश्चन था कि मनी, ये देखिए यहाँ पर मनी लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर गलती लिख दिया हुआ है, ये आपका क्या है मनी, ठीक है, मनी, ठीक है। तो ये मनी कितना है आपका 9,999 डिवाइडेड टू 3%, वेयर ए गेट्स 500 मोर देन बी एंड बी गेट 500 मोर देन सी, देन फाइंड द मनी रिसीव्ड बाय ए वाच। तो देखिए उसमें क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी है आपके पास, मान लीजिए कि 9,999 है, तो जिसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि ए के पास 500 रुपया ज़्यादा चला जाता है बी से, और बी के पास 500 ज़्यादा हो जाता है सी से। तो इसको बोल रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे कि आपका ए का अमाउंट पूछ रहा है कितना होना चाहिए, तो देख लीजिए कितना ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इस तरह से करेंगे तो आपका ए इतना हो जाएगा, उसी तरह सी का वैल्यू इतना आ जाएगा, और तीनों का वैल्यू आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी 9,999। अगर हम रिप्लेस करेंगे ए और सी को तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए इस तरह से बनेगा, जब इस तरह से बनेगा तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए इधर, तो इस तरह से आपका 3B आएगा, ये आ जाएगा, ये जो आंसर आएगा आपका बी का वैल्यू वो अप्रॉक्स 300 होगा, अप्रॉक्स में 300 आएगा, और 500 आपका था ए का, तो ये 3500 हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 3500, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 3500, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको,
यहाँ पे जो इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन आए थे वो मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश में टोटल आपके 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आर्टिकल आए थे, आर्टिकल मतलब इन एएनडी आया था, एक्टिव पैसिव आया था, आपका नरेशन आया था, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक आया था, एक पैसेज आया था, पैसेज से क्वेश्चन आंसर आए थे। उसके बाद देखिए एक आर्गूमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, ठीक है, जैसे कि सम पेन आर बुक, ठीक है, सम बुक आर रेड एंड ऑल रेड आर पिंक। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप इस तरह से बनाते हैं कि सम पेन आर बुक, सम बुक आर रेड, ऑल रेड आर पिंक। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, अब उसी बेस पूछ देता है कि इसमें ये है कि नहीं है कंक्लूजन में, तो आपको सही गलत करना होता है, ठीक है, बहुत ईजी होता है, आप कर लेंगे आराम से। चलिए तो इसी तरह से आपके 40 क्वेश्चन आए थे, तो मैं सारे क्वेश्चन तो बता नहीं पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। बाकी अब चलिए कुछ टेक्निकल आपको बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आए थे। देखिए एक क्वेश्चन आया था टेक्निकल का, इफ़ द नंबर ऑफ कॉयल आर 72 इन अ डीसी मशीन देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो स्लॉट्स कितने होंगे आपका, तो जस्ट इसका जो क्वाइल होते हैं वो आपका एक राउंड पूरा मारता है, और स्लॉट्स कितने चाहिए, ऐसे ऐसे करके स्लॉट बने रहते हैं, ठीक है, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 144, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस तरह से आपका ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये आपका इस फॉर्मेट में नहीं था, ठीक है, इस फॉर्मेट में नहीं था, ये जो फॉर्मेट था आपका कुछ इस तरह से दिया, जैसे 4 है मान लीजिए, ठीक, तो dt/dt ऐसे कुछ dy/dt ऐसे करके दिया हुआ था, तो इसको आप जब चेंज करेंगे तो s के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से। तो जो इसको आप ये एग्जैक्ट समझ जाइए किसी तरह है, ऐसे था, तो इसमें पूछा था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप इक्वेट करेंगे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, तो ओमेगा एन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ओमेगा एन स्क्वायर क्या क्या है, 4 है, तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा 2, तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी की जब बात करेंगे तो कंपेयर करेंगे इससे, तो आपका 1/2 हो जाएगा, 0.5, देख लीजिएगा इसको, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक देखिए क्वेश्चन आया था कि इसी तरह का इक्वेशन दिया हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एक दिया हुआ था इक्वेशन, उसमें पूछ दिया था सेटलिंग टाइम। अगर आप सेटलिंग टाइम का आपको फार्मूला पता है तो ये शायद ये ओमेगा एन बाई 4 होता है, हम श्योर नहीं हो मुझे, पर ये शायद यही होता है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था, आप कर लेना आराम से। एक क्वेश्चन आया था कि उसमें थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ, तो मैं आपको सिंपल में क्वेश्चन दे दिया हूँ। उसमें पहले दिया था कि जैसे एंड रजिस्टर जो होता है इसको पहले पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उस तरह से उसका रिजल्ट दे दिया था कितना है, बोलता कि अगर उसी रजिस्टर को, उसी तरह के रजिस्टर को अगर हम, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि वेन एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ ईच रजिस्टर वैल्यू आर देन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर वैल्यू, तो एन आर हो जाएगा आपका, ठीक है, वो दीजिए, कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि इन अ डीसी मशीन, इन अ डीसी, सॉरी हम मैचिंग लिख दिया है, मशीन होगा, ठीक है, इन अ डीसी मशीन हैविंग लैप वाइंडिंग है 4 पोल, देन फाइंड द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। देखिए 4 पोल का एक मशीन है, अगर लैप वाइंडिंग है तो आपको पता होना चाहिए कि जब लैप वाइंडिंग होता है तो क्या होता है कि जो पैरेलल पाथ होते हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होते हैं, तो क्या हो जाएगा सेम, जो पोल हैं आपके 4 वही 4 आंसर हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये 4, ठीक है, ये देखिए मैं आपको 4 दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 4 ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह था, सेम था, इन अ डीसी मशीन हैविंग 4 पोल वेव बाइंडिंग देन फाइंड द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो देखिए वेव बाइंडिंग में जब भी होता है आपका 2 होता है पैरेलल पाथ, वेव बाइंडिंग मतलब 2, बस ये याद रखिएगा, कभी भी अल्टरनेटर का पूछता है, कुछ का पूछता है, तो आपका 2 होता है। एक क्वेश्चन है आपका ये 3 एम्पियर फॉर 200 वोल्ट इन अ डीसी सर्किट, इफ़ द करेंट सेम फॉर 250 वोल्ट इन एसी सर्किट देन फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि कोई करंट फ्लो कर रही है एक डीसी मशीन में 200 का है सप्लाई जब दे रहे थे डीसी सर्किट में, लेकिन अब बोले कि उसी हम सप्लाई क्या कर रहे हैं 250 वोल्ट कर रहे हैं एक एसी सर्किट में, तो पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर अगर किसी को पता हो तो बताइएगा, चलिए ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन बेसिक आते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पता है लेकिन इतना टाइम नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोग बोर भी हो जाते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन जितने थे जिस तरह के थे आपको आइडिया लग गया होगा। मेरा मेन इसमें क्या था कि जो टेक्निकल में कुछ इस तरह का ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इस तरह का आपको लग रहा होगा कि इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन डाल दिया था कि आपको आइडिया लग जाए। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे बिल्कुल जनरेशन के सिस्टम के थे कि कितना वोल्ट का सप्लाई होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आए थे बेसिक, वो आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोर लॉस पे आया था, ठीक है, कब मैक्सिमम लॉस होता है तो आपको पता होगा कि आयरन लॉस पी आई लॉस जो होता है इक्वल टू पी सी लॉस होता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एक आया था कि कितने कब होता है तो मैक्सिमम पावर लॉस, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, आप लोग आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक वीट स्टोन ब्रिज का भी आया था छोटा सा, ऐसे था। तो बस यही सब मेन क्वेश्चन थे जो मैं आपको बता दिया, जो थोड़ा बहुत टिपिकल था, जो कि थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। बाकी आपने देख लिया कि 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग भी आए थे, उसमें ऑप्शन नहीं थे। तो दोस्तों
आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने बताया है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन बताया है, ठीक है, जितना डाला हूँ इसमें मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन डाला हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। मैं इसी तरह के और भी एग्जाम के एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर डालने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग कमेंट में अपने अगर देते हैं कि आपको अच्छा लगा और आप लोग इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो मैं बस इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और किसी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो या किसी एग्जाम को आपको पेपर से रिलेटेड कुछ चाहिए, आपको मटेरियल या फिर कुछ भी मतलब आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए वीडियो, ठीक है। और दोस्तों मैं इस PDF अगर आपको चाहिए तो देखो मैं इसको डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।